नमस्कार फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आज हमारा एक बहुत एक बेसिक सा टॉपिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करते हैं, जो ऐसे भाई हैं जो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग करते हैं, तो उन लोगों ने सर जी एक बहुत मेरे पास एक कमेंट किया हुआ है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला हुआ है कि सर, हम लोग नए हैं तो सॉफ्टवेयर में एक सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन में ड्राइवर के बारे में बताते हैं, टूल के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ गायब हो जाता है वो हमको नहीं पता चलता। एक उन्होंने बहुत छोटी सी बात हमसे करी कि सर, वो हम लोग डाउनलोड करते हैं, आपने बताया कि सर ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ड्राइवर को डाउनलोड कर लिया, लेकिन ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद वो चला कहाँ जाता है, वो इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पर जाता है, ये सर ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं परेशान हूँ। तो इस चक्कर में मैं आज सर आपको वीडियो देने वाला हूँ कि हमारे पास जो भी सारा सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किन वेबसाइटों से आया जाता है, और अपने कंप्यूटर के अंदर जब इंस्टॉल कर देते हैं तो कहाँ पर स्टोर होता है, ये सारी बातों के बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सॉफ्टवेयर की बात करी जाए तो मोबाइल फोन बेसिक कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का बेसिक कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन जो है, ये आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या सारी चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली बात क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम के अंदर पांच छह चीजों को आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, जितने भी सारे पर्सन हैं, सभी पर्सन को कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहली चीज, कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम एंड फीचर, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहली चीज। अब ये कहां पर आता है, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको इसका बताता भी हूं, अभी पहले समझा देता हूं फिर आपको बताता हूं। उसके बाद दूसरी चीज, आपको डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डिवाइस मैनेजर में, क्योंकि हमारा जब भी कोई मोबाइल फोन कनेक्ट होता है, मोबाइल फोन कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है वो हम लोग डिवाइस मैनेजर में ही चेक करते हैं, तो हमको डिवाइस मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि डिवाइस मैनेजर हमारा कैसे खुलेगा, उसके बाद कैसे मोबाइल फोन को कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज, डाउनलोडिंग, कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी डाउनलोड करेंगे तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको कहां पर रखेंगे, इन सब चीजों के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डाउनलोडिंग नहीं करना आ रहा तो फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम है भाई, फिर दिक्कत दिक्कत है। ठीक, तो डाउनलोडिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथा चीज, कॉपी पेस्ट डिलीट फोल्डर, इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इतना सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते समय, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, अब मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते समय इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपके अंदर होना चाहिए। जब इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होता है तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर को अच्छे से रिपेयरिंग कर पाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम, आपको दिक्कत नहीं आती। और इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आती भी हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती। तो जो लोग नहीं आती तो वो अपना वीडियो के माध्यम से देख करके क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से बहुत सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फोन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज मैंने आपको इन सब पाँच टॉपिक के बारे में आपको बताया हुआ है, कंट्रोल पैनल पहली बात, तो दूसरा डिवाइस मैनेजर, तीसरा डाउनलोडिंग कट कॉपी पेस्ट और उसका यूज करना, यूज का मतलब होता है सिस्टम को यूज करना, सिस्टम को चलाना।
तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जब हमारा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा तभी हम एमसीक्यू का यूज कर पाएंगे। ये देखिए हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया। सिस्टम कनेक्ट होने के बाद सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन के बाद देखेंगे यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल पे जब आप क्लिक कर देंगे तो कंट्रोल पैनल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड फीचर ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप प्रोग्राम फीचर को ओपन करेंगे। प्रोग्राम एंड फीचर को ओपन करेंगे तो जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद वो यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे अगर आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो देखिए मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल है, ओप्पो का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है, फोन का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है, मेडिकल थंडर इसके अंदर इंस्टॉल है, मोजिला इसके अंदर इंस्टॉल है। ये सारी बातें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख जाती हैं। इसके अंदर सैमसंग का ड्राइवर इंस्टॉल है, मतलब ए से लेकर जेड तक क्यूसी फायर है, जी एस एम है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर शो हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, कौन सी चीज़ हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। तो इन चीज़ों को हम लोग कहाँ पर देख पाते हैं, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर ऑल प्रोग्राम एंड फीचर में, वहां पर हम इन सब चीजों को देख पाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको क्लोज किया। दूसरी चीज मैंने आपको बताई डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर कैसे ओपन होता है, डिवाइस मैनेजर को ओपन करने के लिए आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ता है। माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप मैनेज में जाएंगे। जब आप मैनेज में ओपन करेंगे तो मैनेज में ओपन करने के बाद आप डिवाइस मैनेजर में ओपन करेंगे। डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर आपकी मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी दिखाएगा। अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन है अगर कनेक्ट है तो यहाँ पर दिखाएगा, नहीं कनेक्ट है तो नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब होता है कोई भी डिवाइस मैनेजर में कोई भी चीज़ की कनेक्टिविटी को प्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने क्वालकॉम फ़ोन लगाया, मीडियाटेक लगाया, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, कोई भी फ़ोन है अगर उस मोबाइल फ़ोन को जैसे आपने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने का मतलब होता है यहाँ पर आपका मॉडल कॉम 4, कॉम 5 पोर्ट ऐसे बन के आ जाएगा, सैमसंग यूएसबी ड्राइवर ऐसे लिख करके आ जाएगा। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो डिवाइस को लगाया है वो डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल है। अब देखिए यहाँ पर दो चार चीज़ें और भी लिख करके आती हैं, मैं उनका मतलब भी समझ आता हूँ आपको। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी शो करेगा। जब आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी शो करेगा तो शो करने के बाद आपका फ़ोन कनेक्ट है आपको पता चल जाएगा। यदि आपकी ऐसी कंडीशन आती है कि उसमें ऐसा येलो कलर का ट्रायंगल बन करके आता है, अगर येलो कलर का ट्रायंगल बन करके आता है तो इसका मतलब होता है इसके अंदर ड्राइवर नहीं है, प्रॉपर ड्राइवर नहीं है। दूसरी बात क्या होता है, अगर यहां पर कई बार ऐसा होता है कि अननोन लिख करके आता है, अगर अननोन लिख करके आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर नहीं है। भाई जब आपके सिस्टम के अंदर ड्राइवर नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो कॉमन सी बात आती है कि यहां पर अननोन लिख करके आता है तो इसका मतलब हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइवर नहीं है। तीसरी चीज होता है, अगर आप जब मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ शो नहीं करता, अगर शो नहीं करता तो इसका मतलब होता है आपके मोबाइल फ़ोन में ये तो डाटा केबल खराब है या तो यूएसबी का जैक खराब है, इस कारण से हमारे मोबाइल फ़ोन का कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन का कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट शो करेगा येलो कलर का ड्राइवर बन करके, येलो कलर का अगर ट्रायंगल बन करके आता तो इससे समझ में आएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइवर नहीं है। अननोन लिख करके आता है तो भी हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइवर नहीं है, और शो नहीं करता तो इसका मतलब होता है उसका कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी हमारा ब्रेक हो चुका है, इस कारण से हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, मोबाइल फ़ोन में काम नहीं होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बताया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मैंने डिवाइस मैनेजर के बारे में आपको समझाया। उसके बाद दो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, कंट्रोल पैनल, डिवाइस मैनेजर। तीसरी चीज़ हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ होता है उसको जब आप लोग डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा, तो उसके लिए आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग मिल जाएगी। जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो डाउनलोड करने का फीचर सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको डाउनलोड वाला जो फीचर होता है ये नहीं दिखाई देता, ऐसे
डाउनलोड का ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होता। जब डाउनलोड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा कैसे। डाउनलोड का ऑप्शन के लिए आपको सी में जाना पड़ेगा। जब आप सी में चले जाएंगे तो सी के अंदर यूजर का ऑप्शन आता है। यूजर के अंदर जैसे मान लिया आपने जितने भी यूजर बना रखे होंगे उतने उतने सारे डाउनलोड आपको मिलेंगे। अगर मान लिया मेरा ईटेक का सॉफ्टवेयर है तो मैं ईटेक यूजर के अंदर गया, जैसे इसको मैंने ओपन किया तो ओपन करने के बाद इसमें देखिए आपको इसका डाउनलोड मिल गया। तो जो भी इसने डाउनलोड है वो सारा डाउनलोड आपको मिल गया। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लिया डाउनलोड का फीचर गायब हो जाता है तो आप कैसे डाउनलोड को ओपन करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार बताता हूं, दोबारा से आप समझेंगे कैसे। माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर के अंदर सी के अंदर जाएंगे, सी के अंदर यूजर में जाएंगे, यूजर के अंदर जो भी यूजर होगा उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डेस्कटॉप मिल जाएगा और भी जो भी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। डाउनलोड को ओपन करेंगे तो आपने जो भी डाउनलोड किया है वो सारा डाउनलोड किया हुआ यहाँ पर आपको मिलेगा। पहली चीज़ ये, यहाँ से आप डाउनलोड चेक कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मान लिया आपने कोई भी चीज़ डाउनलोड किया है तो मोजिला पे गए, जब आपका मोजिला खुल जाएगा तो मोजिला खुलने के बाद यहाँ पर अगर आपको डाउनलोड नहीं मिलता तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए आपने जो भी सारा सब कुछ डाउनलोड किया वो सारा सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है, जो भी आपने डाउनलोड किया वो यहां पर दिखाई दे रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। यदि मान लिया आपके पास सिस्टम में मोजिला ना होकर के आपने गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रोम पे चले जाएं। जब आप क्रोम पे चले जाएंगे तो क्रोम पे जाने के बाद तीन डॉट में क्लिक करेंगे यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये देखिए ये आपको खुल जाएगा। जो भी आपने क्रोम के माध्यम से डाउनलोड किया है वो यहां पर खुल जाएगा। इस तरीके से आप जो भी आपने डाउनलोड किया हो डाउनलोड करने के ऑप्शन को आप ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात का एक चीज़ मैंने आपको बताई, जितने भी सॉफ्टवेयर करने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अपने सिस्टम के अंदर जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है ऐसे भर जाता है फिर वो सॉफ्टवेयर हमको ही नहीं मिलता और बहुत परेशानी आती है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, आप अपने सिस्टम में फाइल फोल्डर बना करके रखेंगे और उनको अच्छे से सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करके रखेंगे। जैसे फाइल फोल्डर कैसे बनाया जाता है, आप जाएंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, ये आपका फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को कोई नाम देना चाहते हो जैसे सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर नाम से मैंने फोल्डर बना दिया है, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर फिर कोई न्यू फोल्डर यहाँ पर राइट क्लिक करके बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर बन गया। जैसे मैंने ड्राइवर नाम से फोल्डर बना लिया, फिर हमने नया फोल्डर किया, ड्राइवर के बाद हमने सॉफ्टवेयर फाइल नाम से मैंने बना लिया, उसके बाद फिर न्यू फोल्डर किया, फिर हमने सॉफ्टवेयर टूल्स नाम से मैंने बना लिया। इस तरीके से एक एक करके जितने भी सारे फाइल फोल्डर होते हैं वो हम लोग सारे फाइल फोल्डर को हम अच्छी तरीके से क्रिएट करके रखते हैं ताकि जो भी कल को कोई सॉफ्टवेयर है कोई भी चीज़ हमको चाहिए तो हम यहाँ पर हम आसानी से रख सकते हैं और हमको वो सारी चीज़ें सही से मिल सके, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। जैसे मान लिया ये टूल है, इसको हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी करोगे तो वहां भी चला जाएगा, यहां भी रहेगा, कट कर लोगे तो यहां से हट जाएगा,
और इसके अंदर सॉफ्टवेयर टूल पेस्ट करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हट चुका है और ये हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर हम गए, सॉफ्टवेयर टूल के अंदर गए, ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया। तो इस तरीके से दोस्तों आज मैंने आपको बताया है किस तरीके से हमारे पास मोबाइल फोन आएगा तो उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे रिपेयर करने के साथ साथ हम अपने मोबाइल फोन को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो मोबाइल फोन लैपटॉप सॉरी मोबाइल फोन रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं तो हमको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे, कंप्यूटर को चलाएंगे कैसे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा समझ में आया, क्या सारी जानकारी मिली, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये वीडियो में अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा कमेंट में आप लोग जरूर देते रहिए ताकि हम आपके लिए वीडियो इतना मेहनत करके बनाते हैं, इतना अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। और ये वीडियो हम आप ही के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, या ऐसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो कम पढ़ा आदमी हो या कम पढ़ा लिखा लोग हो या कम पढ़े स्टूडेंट्स हो जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते या उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा, तो भाई उनकी कोई गलती नहीं है, नहीं माहौल मिला तो नहीं सीख पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कम से कम आज जब माहौल मिला हुआ है, आज हम उस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, आज हम सीखना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सारी चीज़ें समझ में आई, आप कमेंट जरूर करें, मैसेज जरूर करें। दूसरी बात, अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391711711, 6391211211, जिसपे यहाँ पर आपका अमित सर से बात होगी और अमित सर आपको पूरा गाइड करेंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसी क्लास चल रही है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कैसे लोग सीखते हैं, क्या सारी होती है, सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो में समझें, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लें और सब चीज को देखते रहें। सर मैंने आज आपकी वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगर हम लोग इतना मेहनत करके अगर आपको वीडियो देते हैं या ईटेक इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इतना अच्छा अच्छा वीडियो मिलता है तो आपको भाई समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के साथ साथ एक पॉजिटिव रिप्लाई तो बनता ही बनता है कि भाई हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, या हमसे प्रॉब्लम है, या वीडियो से प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत है, तो आप मैसेज जरूर करें ताकि हम उन सब चीज़ों के बारे में आपको सुधार करें और आपको अच्छा से अच्छा सिखा सकें, अच्छा से अच्छा काम कर सकें। तो हमारा यही मानना है, या मेरी लाइफ का यही ओपिनियन है, मेरे लाइफ का यही उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया जहान में जितने भी सारे जो लोग हैं, अगर वो टेक्निकली शिक्षा को लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि भाई मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसा कोई दिमाग के अंदर दुविधा है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके एक बार अपना जानकारी ले सकते हैं और अपने दिमाग का सारा टेंशन को दूर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस में बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है, ये हमको काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, अगर ऐसे कोई दिमाग के अंदर डाउट्स होता है तो भी आप कॉल करके समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप खुद मार्केट में देख सकते हैं कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का आज लोग सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बिजनेस दोस्तों वही कर रहे हैं जिन लोगों ने एक अच्छी ट्रेनिंग ली हुई है। क्या लिया हुआ है? अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ है, अपने अंदर अच्छा स्किल लिया हुआ है, आज वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि लोगों को जिंदगी में अपने जिंदगी में अनुभव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अनुभव से कोई जिंदगी में कभी काम नहीं चलता, अनुभव के साथ में स्किल और ट्रेनिंग और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि बहुत ऐसे मेरे पास दोस्त हैं या बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम तो किया, बहुत लोग कहते हैं सर जी मुझे 9 साल हो गया, मुझे 10 साल हो गया इस लाइन में काम करते करते, मैं 10 साल से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं, उनको अनुभव बहुत अच्छा है, चार्जिंग कनेक्टर 2 मिनट में लगा लेते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास साफ सुथरे तरीके से चार्जिंग कनेक्टर लगा पाते हैं, लेकिन जब चार्जिंग कनेक्टर का सप्लाई खराब हो जाता है तो वो नहीं ठीक कर पाते। मोबाइल फोन में उनको चार्जिंग आईसी के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, मोबाइल फोन में बैटरी कनेक्टर का BSI लाइन खराब हो जाता है तो मैसेज इधर आना शुरू हो जाते हैं तो उनके बारे में ज्ञान नहीं है, वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन कहीं और जा करके ठीक करवाते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन आता है और रियलमी का C2 मोबाइल फ़ोन आ जाता है, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर पासवर्ड लग जाता है, वीवो का मोबाइल फ़ोन आ जाता है उसके अंदर पासवर्ड लग जाता है, तो खुलवाने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं, काम करते करते 10 साल हो गया,
अरे भाई तुमने कहा है का 10 साल काम किया, तुमने 10 साल पूरे किए, तुमने 10 साल में काम नहीं किया, तुमने सिर्फ क्या काम किया है, वही एक जनरली काम किया है। तो सर अगर आप इन सब चीजों से, दुविधाओं से, अगर परेशानियों से दूर निकलना चाहते हैं तो सर एक बार अपने आप को अपडेट करिए और पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लीजिए और सीख करके एक बढ़िया जोश के साथ में काम करिए, ताकि आपको काम करने में मजा आए और आपको लगे कि भाई अरे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आ रहा है तो हम उनको अच्छे से ठीक कर पा रहे हैं और अच्छे से रिपेयरिंग कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए जरूरत की चीज़ें होती हैं, जिनसे हम लोग कोई भी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप में जो हम लोग यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिपेयर करते समय हमको बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत सारी हमारी मदद करती हैं। और वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक स्टूडेंट है शकील जी, जिन्होंने अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का मेरे पास कोर्स सीख करके गए, कोर्स सीखने के बाद आज वो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं। उनको समथिंग 2-3 महीना हो गया मेरे से सीखे हुए और उन्होंने सर मुझे बताया कि सर मैंने कम से कम नहीं है तो 40 से 50 मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल दिए और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन मैंने ठीक किए, तो मुझे सर जी इतना अच्छा लग रहा है कि जो मोबाइल फ़ोन में कहीं और ठीक कराने जाता था आज वो मैं खुद कर रहा हूँ। कि लोग मेरे पास आते हैं, अरे भाई तू कहाँ से सीख कर गया, कि महीने 2 महीने के बाद तू अपना काम करना शुरू कर दिया, इतने सारे मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रहा है, पहले नहीं कर पाता था। जो जिनके पास मैं मोबाइल फ़ोन ठीक कराने जाता था आज वो लोग मेरे पास लॉक खुलवाने के लिए आते हैं, तो मुझे बड़ा दिल से खुशी मिलता है। और उन्होंने, मैं इस बात आपसे इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आज हम लोगों को 9-10 हज़ार रुपये का एक छोटा सा ऑर्डर भी दिया। उन्होंने डीसी पावर सप्लाई मशीन है, बूट केबल है और बोर्नियो सेमेटिक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब ट्रेनिंग सेंटर से उन्होंने मंगाई। कम से कम 9,000-9,500 रुपये का सामान आया, जिसमें 4500-4600 रुपये के उनको शायद 4800 रुपये की कोराड मशीन पड़ी, एक 5 एम्पियर के डीसी सप्लाई मशीन मंगाई, बूट केबल मंगाई। अब ऐसा कह रहे हैं कि ये सर मैंने कहीं से अपने पास से नहीं, ये मैंने सजी 1-1.5 महीने के अंदर इतना अच्छा पैसा कमाया, उसमें अपना भी रखा और मैंने सोचा कि आपको सामान भी मंगा लूँ। और दूसरी बात क्या है, मैं अपने सारे स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरे से सीख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या आगे कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए दोस्त, हमेशा गांठ बांध के ध्यान रखिए। अगर आप जिंदगी में अगर आप पैसा कमाते हो तो उस पैसा कमाने के बाद उस पैसों को क्या करते हो, अपने जेब में रख लेते हो, खाने पीने में लगाते हो, अपने घर गृहस्थी में लगाते हो, अपने फैमिली में यूज करते हो, अपने बैंक में जमा करते हो। तो आप अपने पैसों का चार ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो, खुद पे करते हो, अपने परिवार पे करते हो, अपने बैंक में जमा करते हो या अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद लेते हो। लेकिन एक बात ये नहीं सोचते कि ये चारों चीज़ें जो पूर्ण कर रही हैं, चारों चीज़ों को पूर्ति कौन कर रहा है, चारों चीज़ों को कौन पूरा कर रहा है, इन चारों चीज़ों को जो पूरा कर रहा है वो आपकी नॉलेज, कौन कर रहा है, आपकी नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो इन चारों चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अगर अगर आपके अंदर नॉलेज में कमी है तो इन चारों चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। तो हम अपने स्टूडेंट्स को या इस वीडियो के माध्यम से मैं सर आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना इनकम करते हैं, आप पैसिव इनकम करते हैं या रिपेयरिंग करके पैसे कमाते हैं, चार्जर एसेसरीज बेच के पैसे कमाते हैं, कुछ भी ऐसी आती है, तो आपके अंदर जो कमी है, आप जो काम नहीं कर पाते, उस काम को पहली बार तो दूर करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने आप को अपडेट करिए, आप अच्छा काम सीख करके अच्छा काम करिए। तीसरी चीज, आपके अंदर जो टूल्स के अंदर कमी है, आपके पास सॉफ्टवेयर डोंगल नहीं है, आपके पास 5 एम्पेयर की मशीन नहीं है जिससे आप मोबाइल फोन को चालू कर सकें, माइक्रोस्कोप नहीं है, अच्छी हॉटगन मशीन नहीं, अगर ऐसा कोई टूल्स नहीं है तो आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे आप अगर LIC में पैसा जमा करते हैं तो भाई 20 साल बाद पैसा मिलता है, और लेकिन हमको 15 साल तक की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन पैसा 20 साल लेने की बात सोचते हैं, लेकिन हर बार किस्त जमा करते हैं। तो उसी तरीके से सर जी, आप अगर एक महीने के अंदर 20,000, 10,000, 5,000, 15,000 रुपए कमाते हैं तो सर जी 1,000-2,500 रुपए अपने ऊपर भी खर्चा करिए। अपने ऊपर क्या खर्चा करिए, ये नहीं कि आप उनको खा पी लीजिए, दारू पी लीजिए, उनको कर लीजिए, आप उन पैसों के लिए कोई टूल्स खरीदिए। जैसे आपने मान लिया डीसी पावर सप्लाई मशीन खरीद लिया, 1,000-1,000 जमा करके 2-3 महीने के अंदर डीसी सप्लाई मशीन खरीद लिया, अब उस डीसी सप्लाई मशीन से आप क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे, मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे, जो आपसे मोबाइल फ़ोन वापस जा रहा था वो आपसे मोबाइल फ़ोन ठीक होगा। तो आप 8 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब ऐसा बच्चे करते रहते हैं तो उनकी दुकान में सारा सामान हो जाता है और अच्छी तरीके से पूरा काम करते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं कि बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में कभी अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। तो सफलता की एक सबसे बड़ी अच्छी यही बात है कि आप अपने ऊपर 2%, 5%, 10% आप अपने ऊपर खर्चा करिए,
ताकि आप अच्छी तरीके से वेल मेंटेन हो सके और अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो आज की दोस्तों मेरी वीडियो में यही रहा कि आप सब चीज़ों को कैसे समझ में आया, और वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ आपको जानकारी दी, सारा इन्फॉर्मेशन दिया, समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी मैसेज जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मदद करते हैं, तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर करके जाने अनजाने में मदद करिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.